नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्लास 10th के मैथ से है और ये क्वेश्चन जो है क्लास 10th के मैथ की एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 4 है और चैप्टर का नाम है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। तो यदि इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला है संगत लघु वृत्तखंड, दूसरा है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड और पाई का वैल्यू लेना है 3.14। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, तो एक वृत्त जो है बना लेते हैं। ये जो है एक वृत्त है मान लेते हैं, इस वृत्त का जीवा जो है केंद्र पर समकोण जो है क्या करती है, तो अंतरित करती है। देखिए इस तरह से तो ये जो है वृत्त की जीवा है जो केंद्र पर जो है 90 डिग्री का कोण जो है अंतरित करती है। वृत्त की त्रिज्या जो कितनी दिया गया है, तो 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 10 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालिए, मतलब इसका क्षेत्रफल निकालना होगा। ये जो है क्या है, तो संगत लघु वृत्तखंड और इसी के साथ यहाँ रखिए कि ये जो है क्या है, ये जो है संगत दीर्घ वृत्तखंड है, लेकिन हमें जो है क्वेश्चन बोला गया है कि संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालिए, तो इसीलिए जो है हम लोग इसको जो है हटा लेते हैं। तो अब यहाँ देखिए सबसे पहले 1 में क्या है कि संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पर ये जो है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, इसमें जो है पाई का वैल्यू लेना है हम लोग को 3.14, आर का वैल्यू जो है हमें क्वेश्चन में दिया गया है 10 सेंटीमीटर, इसी के साथ जो है थीटा का वैल्यू जो है क्वेश्चन में दिया गया है ये 90 डिग्री। अब देखिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने का जो है क्या करते हैं कि इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से यहाँ देखिए नाम देते हैं इसका ओ ए बी सी, इसमें से जो है क्या करते हैं, तो त्रिभुज ओ ए सी का क्षेत्रफल घटा लेते हैं, तब जो है हमें ये वृत्तखंड जो है मिल जाता है, इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाता है। तो अब यहाँ देखिए पाई का मान कितना लेना है, तो 3.14 गुने आर का मान कितना है, तो 10 सेंटीमीटर, मतलब होगा यहाँ पर 10 का स्क्वायर गुने थीटा का वैल्यू कितना है, तो 90 डिग्री बटा 360 डिग्री माइनस 1/2 आर का वैल्यू कितना है, तो 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे 10 का स्क्वायर गुने साइन थीटा, मतलब यहाँ देखिए थीटा का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर जो है 90 डिग्री से जो है जब 360 डिग्री में भाग दें तो यह कितना 4, और यहाँ देखिए 3.14 गुने 10 का स्क्वायर कितना होगा, तो 100/4 माइनस 1/2 गुने 10 का स्क्वायर 100। अब देखिए यहाँ पर जो है क्या लिखेंगे, 3.14 गुने 100 कितना होगा, तो 314/4 माइनस 100/2। यहाँ देखिए 4 और 2 कैल्शियम कितना आएगा, तो 4, और जब इस 4 से जो है इस 4 को भाग देंगे तो आएगा 1, और 1 × 314 कितना होगा, तो 314 माइनस 2 से जो है जब इस 4 को भाग देंगे तो आएगा 2, और 2 × 100 कितना होगा, तो 200। अब देखिए यहाँ पर 314 माइनस 2 से कितना होगा, तो 114/4, इसी के साथ देखिए 114 में जब 4 से भाग देंगे तो आएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर में जो है हमें आर का वैल्यू दिया गया है, इसीलिए जो है यहाँ पर क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं आप लोगों को पता चल गया होगा। अब चलिए इसके बाद जो हम लोग निकालते हैं संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का वैल्यू। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में है कि संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए। तो देखिए संगत दीर्घ त्रिज्यखंड
का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। यहाँ देखिए इसको समझ लीजिए कि पहले समझ लीजिए कि वृत्तखंड क्या होता है। ये जो है मान लेते हैं कि सर्किल है, तो इस सर्किल का अगर कोई ये जीवा है तो ये वाला पार्ट जो है लघु वृत्तखंड कहलाएगा और ये जो है दीर्घ वृत्तखंड कहलाएगा। तो इसको जो है समझ लिया आप लोग। इसके बाद जो है अगर हम एक और वृत्त बनाते हैं तो इस वृत्त में जो है यहाँ देखिए ये जो है ये वाला पार्ट लघु त्रिज्यखंड है और ये जो है ये वाला पार्ट दीर्घ त्रिज्यखंड है। तो अगर हमें दीर्घ त्रिज्यखंड चाहिए तो इसके लिए जो है क्या करेंगे, तो पूरा वृत्त के क्षेत्रफल में से इस त्रिज्यखंड के पार्ट को हटा लेंगे, मतलब लघु त्रिज्यखंड के पार्ट को हटा लेंगे तो ये वाला पार्ट बच जाएगा, मतलब संगत दीर्घ त्रिज्यखंड बच जाएगा। तो इसीलिए जो है हम क्या किए हैं कि पाई आर स्क्वायर में से जो है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री घटा लिए। ये जो है पाई आर स्क्वायर वृत्त क्षेत्रफल है और ये पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री ये जो है संगत लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। तो यहाँ पर देखिए हमें जो है पाई का मान बोला गया है कि 3.14 लीजिए गुने आर का वैल्यू जो है 10 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ पर होगा 10 का स्क्वायर माइनस पाई का वैल्यू लेना है 3.14 गुने आर का वैल्यू कितना लेना है, तो 10 सेंटीमीटर मतलब 10 का स्क्वायर गुने थीटा कितना लेना है, तो 90 डिग्री, क्योंकि तो त्रिज्यखंड का जो कोण है वो कितना है, तो 90 डिग्री है बट्टा 360 डिग्री। और देखिए 9 चौक 36 मतलब 90 डिग्री से जब 360 डिग्री में भाग देंगे तो आएगा 4। यहाँ देखिए 3.14 × 10 का स्क्वायर कितना होगा, तो 100 माइनस 3.14 × 10 का स्क्वायर 100 बट्टा 4। यहाँ पर जो है 3.14 × 100 कितना होगा, तो 314 होगा माइनस 3.14 × 100 314 बट्टा 4। और देखिए यहाँ पर 314 जो है दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो क्या रहेगा, तो 1 − 1/4 जो होगा, यहाँ देखिए 314 चार जो है एलसीएम लेंगे और इसको जो है बना लेंगे 1/1। और जब इस एक से जो है इस 4 को भाग दिया जाएगा 4 × 1 कितना होगा, 4 होगा, ये सिंपल भिन्न घटाव है माइनस 4 से जो है इस 4 को भाग देंगे तो आएगा 1 और 1 × 1 कितना होगा, तो 1। और देखिए 314 × 4 − 1 कितना होगा, तो 3/4। और देखिए यहाँ पर ये कितना होगा, तो 157/2, 157 − 3 कितना होगा, तो 471 कितना होगा, 471/2 और 471 में जब 2 से भाग दें तो आएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये जो है अपना आंसर आ गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को जो है इस क्वेश्चन का सलूशन बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। तो अभी के लिए इतना ही, इस वीडियो को जो है अधिक से अधिक शेयर कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।